सीआईडी में आपने बहुत सारे पॉइजनिंग के केसेस देखे होंगे और आपको आश्चर्य भी होता होगा कि जहर देने वाला क्या क्या सोचता है, कैसी कैसी स्कीमें बनाता है कि ये कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वो कर दूंगा तो वैसा हो जाएगा। और सीआईडी को तो किसी भी हालत में पता नहीं चलेगा कि जहर कैसे दिया गया था, मगर जरा कमी होता है, पता चल ही जाता है कि जहर कब और कैसे दिया गया था। और कई कई जहर तो ऐसे होते हैं जैसे कि आर्सेनिक, ये जहर बालों में जाके बैठ जाता है। जी हाँ, बालों में, मतलब शरीर के जिन हिस्सों पे इसे असर करना चाहिए उस पे तो असर करेगा ही, लेकिन बालों पे बहुत ज्यादा असर करता है। आपको विश्वास नहीं होगा, इस जहर से मरने वाले आदमी की लाश अगर 6 महीने बाद भी जमीन से खोद के बाहर निकाली जाए तो इसके बालों को देख के बताया जा सकता है कि इसे जहर कब दिया गया था। है ना हैरानी की बात। इसमें एक तो यह है कि आदमी का शरीर 6 महीने में गल के मिट्टी में मिल जाता है, मगर बाल आसानी से गायब नहीं होते। तो जहर दे के मारने वाला अगर ये सोचे कि वो खून करके पतली गली से निकल जाएगा तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। सीआईडी से पार पाना नामुमकिन है। और उसके ऊपर से ये अपने डॉक्टर साड़ूंखे टेढ़े हैं मगर काम में, तूफान है तूफान। अब जरा देखिए उन्होंने और एसीपी साहब ने मिलके क्या चक्कर चलाया। अर्थी को शमशान लेके जा रहे हैं। तुम नहीं जा रहे? नहीं, मुझे कोमल की चिंता हो रही है। क्यों, क्या हुआ है कोमल को? पता नहीं, अजीब सा बर्ताव कर रही है। कोई बात कर तो किसी बात का जवाब नहीं दे रही है। लगता है माँ की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा है उसे। हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। पर वो अभी है कहाँ? पता नहीं, अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? संस्कार हो रहा है, तुम ऑफिस जा रही हो? अरे अगर मीटिंग के लिए देरी हो जाएगी तो क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। क्लाइंट? तुम्हें आज के दिन भी क्लाइंट की पड़ी है? लेट मी गो। क्या हो गया इसे? ऐसे बिहेव क्यों कर रही है ये? राजीव, डोंट यू थिंक आज हमें कोमल के घर जाना चाहिए? ऑफ कोर्स, जाना तो चाहिए, बस एक काम खत्म हो जाए फिर चलते हैं। ओके। मैम, बहुत दुख हुआ आपकी माँ की मौत के बारे में सुनकर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या बात, क्या है, सब कुछ ठीक है ना? जी मैम। तो ऐसे सबके सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? चलो जाके काम करो अपना। नॉनसेंस बोला। ये क्या, आज के दिन भी कोमल ऑफिस में? वेरी स्ट्रेंज। यस मैम। बोला मेरे लिए ग्रीन टी विद जिंजर, और ध्यान रखना चीनी सिर्फ 1 चम्मच। यस मैम। कोमल, तुम आज के दिन ऑफिस में? क्यों, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई एम राजीव, आई जस्ट कांट बिलीव दिस। आज इसकी माँ का अंतिम संस्कार है, लेकिन ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे लगता है बेचारे को बहुत गहरा सदमा लगा है, इसीलिए इस तरह बर्ताव कर रही है। कमल, अचानक ये खबर मिली तो
हम सबको सुनकर बहुत दुख हुआ कोमल। हमने सोचा कि देखो कोमल, हम लोग तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, है ना? We understand, but कोमल, कोमल तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कोमल, 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 क्या हो गया? लगता है बेहोश हो गई है, तो पानी लेकर आता हूँ। कोमल आंखें खोलो। कोमल, तुम्हें क्या हो गया है? आंखें खोलो कोमल, कोमल, हटिए हटिए, कोमल आंखें खोलो, क्या हो गया? राजीव, क्या हो गया इसे? कोमल, कोमल आंखें खोलो। Oh my God! ये क्या हो गया तुम्हें? कोमल! रिया, कोमल is dead. ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो जिंदा थी। ये इसे क्या हो गया है? सर, हर बार हम लोग लाश लेके फोरेंसिक लैब में आते हैं, इस बार लाश हमसे पहले पहुंच गई है, शायद इसलिए मुस्करा रहे हैं। क्यों? ये भी तो हो सकता है विजीत कि डॉक्टर तारिका ने कोई जोक मारा हो। अच्छा, अरे हाँ, तुम्हें नहीं मालूम डॉक्टर तारिका कैसे कैसे जोक मारती है? अच्छा वो अरे सर, मुझे नहीं मालूम होगा तो फिर किसे मालूम होगा, है ना सर? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम होगा तो और किसे मालूम होगा? अच्छा अभिजीत, तुम्हें कैसे मालूम? मुझे? अरे मुझे तो वो नहीं, नहीं, बोलो 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 ना, बोलो वो तारिका, तुम ही बोलो ना। अभिजीत, आपको कैसे मालूम कि मैं भी जोक मार सकती हूँ? मैंने आपके सामने तो कभी कोई जोक मारा ही नहीं है। लो भाई अभिजीत, गूंगे लाल ने अपनी डायरी में लिख लिया है कि तुम्हें तारिका ने कभी कोई जोक नहीं मारा। हाँ, लिखने दो, ये केस खत्म होने के बाद मैं भी इसकी ऐसी डायरी लिखूंगा ना कि लिखना भूल जाएगा। अब हम जरा काम की बात करें। सर, इस लड़की का नाम कोमल है, उम्र 27 साल, ऑफिस में थी जब इसकी मौत हुई, स्टाफ को लगा कि हार्ट अटैक है। अरे बाप रे, इतनी छोटी उम्र में हार्ट अटैक? लेकिन हार्ट अटैक से नहीं मरी है। तो फिर कैसे मरी? जहर से मरी है, इसे जहर दे करके मारा गया। जहर? ऑफिस में जहर? और ये कोई मामूली जहर नहीं है बस, ये स्लो पॉइजन है, थोड़ा थोड़ा लगातार दिया जाता रहा है। मतलब सर, खूनी काफी लंबे समय से प्लानिंग कर रहा था। एक मिनट स्क्रीन की तरफ देखिए। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ये कोमल के बाल का फोटोग्राफ, और ये जो बीच में निशान है, ये जहर के निशान है जो कोमल को दिया गया। जैसे जैसे जहर शरीर में आता गया, उसके ट्रेसेस कोमल के बालों में दिखाई देने लगे। ओ, इसे देखकर तो लगता है कि कोमल को करीब करीब रोज कोई जहर दे रहा था। बिल्कुल। ये बालों में जहर कब तक आ जाता है? करीब 10-12 दिन बाद। इसका मतलब हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोमल को आखिरी बार जहर कब दिया गया था? जी बिल्कुल, कोमल को आखिरी बार 10 अप्रैल को जहर दिया गया था। सर, अगर कोमल को हर रोज जहर दिया जा रहा था, तो इसका मतलब यह है कि जहर देने वाला इंसान कोमल के आसपास ही रहता होगा, घर में या शायद ऑफिस में। बिल्कुल, और ये आप जो हर सेगमेंट में ये गैप देख रहे हैं, ये इस गैप का मतलब ये है कि इस दिन कोमल को जहर नहीं दिया गया, और ये एक सेगमेंट 7 दिन का है, और ये गैप हर 7वें दिन पड़ता है। 7वें दिन पे गैप? हर 7वें दिन गैप मतलब छुट्टी का दिन तो नहीं, संडे? मतलब सर, जहर ऑफिस में दिया गया है, संडेज को तो कोई ऑफिस जाता नहीं, ये भी नहीं जाती होगी। आप लोग कुछ सैंपल्स इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे कोमल की खाने पीने की चीजें या फिर मेकअप का सामान जैसे लिपस्टिक पाउडर वगैरह। इन सैंपल्स के एनालिसिस से हम ये बात पता कर सकते हैं कि इसे कौन सा जहर दिया जा रहा था। पता नहीं किसका साया पड़ गया हमारे खानदान पर, अभी वंदना की चिता की रात ठंडी भी नहीं हुई, और कोमल
लेकिन कोमल तो एक बहुत अच्छी लड़की थी और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो उसे किसी ने क्यों मारा? हाँ, मगर खून तो हुआ है और ये खून कोमल के किसी आसपास वाले ने ही किया है। वैसे आप लोगों का रिश्ता क्या है कोमल के साथ? जी, मैं आस्था हूँ, कोमल की सबसे अच्छी दोस्त, और ये सनी है, उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था, और ये तन्वी आंटी, उसकी बुआ। तुम कोमल की सबसे अच्छी दोस्त हो, तो फिर कोमल ने अपनी परेशानी के बारे में तुमसे कुछ तो डिस्कस किया होगा। जी, उसे कभी कोई परेशानी थी ही नहीं, वो तो हमेशा खुश रहती थी और दूसरों को भी खुश रखती थी। पिछले कुछ दिनों से उसका बर्ताव अजीब सा लग रहा था आपको? जी नहीं, हाँ, लेकिन अपनी माँ की मौत का काफी सदमा पहुंचा था बेचारी को। जी हाँ, अपनी माँ के अंतिम संस्कार के दिन भी वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकली और उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं था। और निकलता भी कैसे, जहर जो फैल गया था उसके सारे शरीर में। जहर? जी हाँ, जहर। जहर से मौत हुई है कोमल की, और ये जहर उसे किसी अपने नहीं दिया है, या तो कोई ऑफिस का आदमी है या फिर घर का कोई। ये आप क्या कह रहे हैं, हम सब तो उसको बहुत प्यार करते थे। और उस प्यार का अंजाम भी तो हम देख ही रहे ना, कोमल की लाश। क्यों अभिजीत, डॉक्टर सारंगी ने जो कोमल के खाने पीने के और मेकअप के सामान के सैंपल्स मांगे सब उठा ले। वैसे कोमल ने कभी अपने ऑफिस के माहौल के बारे में कुछ बताया था आपको? अच्छा, क्या आपको किसी पर शक है? जी नहीं, मुझे वो सब पता नहीं, मैं कभी ऑफिस नहीं गई, और जब से वंदना बीमार रहने लगी कोमल ही ऑफिस जाती थी। फिर भी कभी ना कभी कुछ तो कहा होगा उसने अपने ऑफिस के बारे में, ऑफिस के काम के बारे में, लोगों के बारे में। जी नहीं, वो अपनी प्रोफेशनल बातें हमें नहीं बताती थी। सैंपल, ये सारे सैंपल्स तुम फोरेंसिक लैब में भिजवा दो, पर हम इस कोमल के ऑफिस के दोस्तों से जाकर मिलते हैं। जी कहिए, किससे मिलना चाहते हैं आप लोग? हम सीआईडी से हैं। हो, मगर बात क्या है? बात यह है कि कोमल मैडम का खून हुआ है और उस सिलसिले में हम यहाँ आए। क्या, कोमल मैडम का खून हुआ है? जी हाँ, और हमें शक है कि उसका खून आप लोगों में से किसी ने किया है। ये क्या कह रहे हैं आप? आप कौन? जी, मेरा नाम शरद है और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। लेकिन ये कोमल मैडम का खून कैसे हुआ? किसी ने उसे जहर दिया है और हम यहाँ वही पता करने आए हैं कि वो ऑफिस में क्या क्या खाती पीती थी। वैसे कोमल मैडम को ऑफिस में खाना पीना कौन सर्व करता था? ये उनके लिए चाय वाय और नाश्ता भोला ही लेकर जाता था। भोला? कौन है ये भोला? भोला उसे? वो रहा भोला। भोला नीचे आओ। ए भोला, तो आप भोला हैं? हाँ जी। आप ही कोमल को खाने पीने की चीजें सर्व करते थे? हाँ जी, पर साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब। हाँ हाँ, हमने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? ये बताओ कोमल मैडम रोज खाना क्या खाती थी? साहब सुबह चाय पीती थी, अदरक वाली ग्रीन टी, और फिर दोपहर का खाना वो तो वो घर से ही लाती थी। मतलब सुबह की चाय और लंच के अलावा वो यहाँ पे कुछ नहीं खाती थी? हा? जी नहीं। देखो ठीक से सोच के बता, ये खून का मामला है, समझे? साहब पिछले 2 साल से उनका यही टाइम टेबल है, सुबह अदरक वाली चाय पिएगी और फिर दोपहर का खाना। अच्छा, ये कोमल खाना अकेले खाती थी या साथ में कोई और भी होता था उनके? वैसे तो दोपहर का खाना वो राजीव और रिया मैडम के साथ करती थी कैंटीन में। कैंटीन में? लेकिन अभी अभी तो तुमने कहा कि कोमल घर से खाना लेकर आती थी। हाँ, मैडम तो घर का खाना ही खाती थी, पर राजीव और रिया मैडम के साथ कैंटीन में। तो कहीं इस राजीव और रिया ने कुछ मिला तो नहीं दिया कोमल के खाने में? हो सकता है,
मैनेजर साहब, ये राजीव और रिया कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। जी, वे दोनों इस वक्त तो ऑफिस में नहीं है। ऑफिस में नहीं है? कहाँ गए वो? जी, जब से कोमल मैडम की मौत हुई है तब से ही वो लोग गायब हैं। गायब हैं? दोनों के दोनों? जी, मैंने फोन पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उन दोनों के फोन भी बंद हैं। कमाल है, दोनों ने एक साथ ऑफिस आना बंद कर दिया और दोनों के फोन भी बंद है। ये दोनों आपस में सिर्फ दोस्त ही हैं या कुछ और भी है? जी, वो एक दूसरे से प्यार करते थे। ओ, प्यार करते करते गायब हो गए। पर गायब क्यों हो गए? सर, उन दोनों ने ही कोमल को मारा होगा। नहीं सर, उन दोनों की तो कोमल मैडम से बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो भला उसे क्यों मारेंगे? वही तो, जिस दिन कोमल की मौत हुई उसी दिन से दोनों गायब है और दोनों का फोन भी बंद है। वाह, जरा उन दोनों का एड्रेस देना। मुझे लग ही रहा था सर, दरवाजे पे ताला लटक रहा होगा हमारे स्वागत के लिए। दया गिदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। जरूर इस राजीव का कोमल के खून के साथ कोई ना कोई संबंध है और इसीलिए वो भागा यहाँ से। दरवाजा तोड़ दे सर। तोड़ दो, हो सकता है अंदर कोई सुराग मिल जाए जिससे हम राजीव तक पहुंच सके। हाँ। कौन है आप लोग और मेरे घर के आगे क्या हो रहा है? आपकी तारीफ। वाह, मेरे घर आकर मुझसे ही पूछ रहे हैं आपकी तारीफ। मनोरमा नाम है मेरा। मनोरमा जी, हम लोग CID से हैं, हम राजीव से मिलने आए। राजीव से? जी। मगर किया क्या है उसने? एक खून हुआ है। खून? जी हाँ, शायद खून राजीव ने ही किया है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे राजीव तो बहुत ही डिसेंट लड़का था। ज्यादातर खूनी बाहर से डिसेंट ही लगते हैं मनोरमा जी, क्या आपको मालूम है कहाँ है वो? नहीं, वो तो मेरे मकान में किराए पे रहता था पर कल ही घर छोड़ के चला गया वो। क्या? उसका कुछ सामान है अभी भी घर में? नहीं, अब राजीव ही यहाँ नहीं है तो उसका सामान यहाँ कैसे होगा? वो तो सब कुछ साथ ले गया। कहाँ गया है वो, कुछ कह कर गया? नहीं, कुछ भी तो बोला नहीं वो, मगर जाते जाते एक और मुसीबत मेरे गले डाल गया। कैसी मुसीबत? ये 2,500 रुपए का होटल का बिल है। वो तो चला गया, अब इसे भरेगा कौन? मिले तो उसे ही कहना भरने को। होटल ब्लू हार्बर? मतलब सर, पिछले वीकेंड राजी होटल ब्लू हार्बर में था। अच्छा, होटल ब्लू हार्बर। घर में कोई है? बाजी, कोई आया है? कौन है? जी, हम लोग CID से। CID? संभाली। क्या हुआ है? रिया ठीक तो है ना? लेकिन माजी, हम तो रिया से ही मिलने आए हैं। रिया? लेकिन रिया तो यहाँ नहीं है, कल रात में चली गई है। चली गई? कहाँ? कहाँ चली गई? मालूम नहीं, कल देर रात किसी से फोन पे बात कर रही थी, बहुत परेशान लग रही थी वो। क्या कह रही थी, कुछ सुना आपने? हाँ, वो कह रही थी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद? उसके बाद सामान बांधा और चली गई, बोली कुछ ही दिनों में लौट आऊंगी। सब कुछ ठीक तो है ना? जी हाँ, सब ठीक है, आप बिल्कुल घबराइए मत, वो 2-4 दिनों में वापस आ जाएगी। नमस्ते। नमस्ते। आप इन्हें पहचानते? ये कुछ दिनों पहले हमारे होटल में आए थे सर। अच्छा, तो क्या क्या था इन लोगों ने यहाँ पे? किसी और से मिले थे होटल में यहाँ पे? इनको झगड़े से फुर्सत मिलती तभी तो मिलते ना सर। झगड़ा? किस बात पे झगड़ा हुआ था उनका? सर, जब ये लोग यहाँ आए थे तो एकदम ठीक थे, पता नहीं अचानक इनको क्या हो गया, आपस में झगड़ा करने लगे। पूछे मत सर। सीरियस झगड़ा हुआ था? महाभारत साहब, एक वेटर ने बीच में आने की कोशिश की, उसकी नाक भी तोड़ दी। मतलब बात हाथापाई तक पहुंच गई? वही तो कह रहा हूँ सर, तूफान सा मच गया था। आप खड़े खड़े देखते रहे, पता करने की कोशिश नहीं की कि क्या हुआ था? धक्के मार के बाहर निकाल दिया सर इनको, इनका सामान भी हमने सड़क पे फेंक दिया। अच्छा ठीक है,
जरा स्वीटर को बुलाओ, उससे पता करते हैं यहाँ क्या हुआ था। जी सर। जल्दी। मैरी, मोहन को जल्दी भेजो यहाँ पे। सर, बड़े खतरनाक लोग हैं सर, एक वेटर की नाक तोड़ दी उन्होंने। जी सर, आपको मुझे बुलाया था। हाँ वो, हाँ हम लोग CID से हैं और ये पूछने आए हैं कि आपके नाक की ये हालत हुई कैसे। इन दोनों को पहचानते हो ना मोहन? हाँ साहब। क्या हुआ था उस दिन, ये दोनों आपस में झगड़ने क्यों लगे थे? साहब एक फोन आया था राजू जी के लिए। साहब आपके लिए फोन है। मेरे लिए होटल के नंबर पे फोन? किसका फोन है? पता नहीं साहब। हेलो, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहां पर हूं? नहीं, मैं तो ऑफिस के काम से आया हूं। आई स्वेयर कोई नहीं है मेरे साथ, बिल्कुल अकेला हूं मैं। क्या कह रहे हो तुम? राजीव, होल्ड करो। यस यस रिया, क्या हो गया? मुझसे चोरी छुपे फोन पे किससे बातें कर रहे थे तुम? किससे बात कर रहा था? किसी से बात नहीं कर रहा था मैं। यूं बनो मत राजीव, मैं जानती हूँ तुम मेरे पीठ पीछे क्या क्या करते हो। देखो रिया, तुम खामोखा बात का बतंगड़ बना रही हो। मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रही राजीव, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अपने प्यार का वास्ता देकर तुमने मुझसे गैर कानूनी काम भी करवाए जो मुझे कभी नहीं करने चाहिए थे राजीव। धीरे बोलो, धीरे, कोई सुन लेगा। सुन लेगा तो सुन लेने दो। राजीव मुझे फोन दो। रिया प्लीज, देखो मुझे देखना है तुम किससे बातें कर रहे थे। राजीव गिव मी द फोन। रिया रिलैक्स, और इस तरह से मेरी नाक की कुर्बानी हो गई सर। और इससे पहले सर वो एक दो वेटर की हड्डियां तोड़ते, हमने उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया। वो फोन कॉल था किसका? सर नहीं पता सर। सर कुछ तो खास बात होगी उस फोन कॉल में, तभी तो इन दोनों के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हुआ। मैनेजर साहब, पता चल सकता है ना किस नंबर से फोन आया था राजीव के लिए? जी सर, हमारे यहाँ बाहर से जो भी कॉल आता है उसका रिकॉर्ड रहता है। गुड, चलिए रिकॉर्ड दिखाइए। चलो आइए। हाँ सर उनके। क्या? हाँ सर उनके, क्या हो गया? ये अचानक क्यों बुला लिया? बस कोमल की मौत जहर की वजह से नहीं हुई। क्या? जहर से नहीं हुई? आपने पहले कहा था कि दया, पहले जो कहा था वो भूल जाओ, अभी नई बात पता लगी है। कोमल की मौत जहर से नहीं हुई है, उसकी मौत दवाई की वजह से। दवाई से मौत? मगर दवाई से कैसे हो गई इसकी मौत? बस किसी को बिना बीमारी के टेढ़ी मेढ़ी दवाइयां खिलाई जाए तो क्या होगा, रिएक्शन से मर जाएगा बेटा। कौन सी दवाई? फ्लामोफोबिनाजोल। फ्लामोफोबिनाजोल, सम्मो। फंस गया। क्या करे, अनपढ़ है ना बेचारा। अच्छा ये दवाई किस बीमारी के लिए दी जाती है? सर ये दवाई अक्सर एपिलेप्सी के पेशेंट्स को दी जाती है। आप तो जानते हैं एपिलेप्सी एक मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान के दिमाग में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिससे उन्हें फीट्स आने लगते हैं। मगर कोमल को तो ये बीमारी नहीं थी, तो फिर इसे ये दवाई दी किसने? बॉस जब तक कोई डॉक्टर लिख कर ना दे कोई ये दवाई खरीद नहीं सकता। तो फिर अभी जी सभी डॉक्टर से पूछताछ करते हैं जो इस बीमारी का इलाज करते हैं। सर हाँ, उस फोन नंबर का पता चल गया सर जो होटल में किया गया था। किसने किया था? सर किसी अंजलि नाम की लड़की ने किया था और ये रहा उसका एड्रेस। जी आप अंजलि हैं? जी देखिए हम लोग CID से हैं। CID से आइए। आप राजीव को जानती हैं? जी हाँ, वो मेरे पति हैं और मैं उनकी इकलौती पत्नी। पर ना उन्हें इस घर की फिक्र है
ना मेरी। अच्छा अच्छा, आप राजीव की पत्नी हैं? जी हाँ, पर बात क्या है, आप लोग राजीव को क्यों ढूंढ रहे हो? एक्चुअली हमें शक है कि राजीव ने किसी रिया नाम की लड़की के साथ मिलके अपने बॉस कोमल का खून कर दिया। क्या, रिया के साथ? कितनी बार कहा था मैंने कि उस रिया से दूर रहे, पर उन्होंने मेरी एक न मानी। आखिर फंसा ही दिया ना उस रिया ने उन्हें। एक मिनट, जरा साफ साफ बताएं कि बात क्या है। क्या बताऊं सर, अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी थी हमारी। जब से ये रिया उनकी जिंदगी में आई है, उनका ध्यान मुझसे ज्यादा रिया पर रहने लगा। बहुत ही खराब औरत है वो। कुछ अंदाजा है आपको इस वक्त ये दोनों कहाँ होंगे? पता नहीं कहाँ होंगे वो दोनों। पिछले हफ्ते मैंने फोन किया था तो उस रिया के चिल्लाने की आवाज आ रही थी मुझे। आप रेडी? पता चल गया। ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं सर। उस साइकोथेरेपिस्ट का पता चल गया है। वेरी गुड डॉक्टर चंद्रा। जी हाँ, क्या बात है? देखिए, हम लोग CID से हैं। CID पर यहाँ? जी हाँ, एक खून हुआ है, उसके सिलसिले में हम यहाँ आए। किसका? कोमल का। कोमल? जी हाँ, कोमल, जिसका एपिलेप्सी का इलाज कर रहे हैं आप। लेकिन उसका खून किया किसने? शायद आपने। मैं? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, कोमल को एपिलेप्सी नहीं थी, फिर भी आप उसे एपिलेप्सी की दवा दे रहे थे, क्यों? आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। बिना बीमारी के मैं क्यों दवाई दूंगा किसी को? आपको पैसे किसने दिए थे कोमल का गलत इलाज करने के लिए? देखिए, इस तरह आप मुझ पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकते। ये रिपोर्ट देखिए आप, इसमें साफ साफ लिखा है कि उसकी मौत स्लमोफोबिनाजोल नाम की दवा से हुई है, जिसे आपने प्रेस्क्राइब किया था। लेकिन ये लड़की तो कोमल है ही नहीं। अपना चश्मा ठीक कीजिए और ध्यान से देखिए, अगर ये कोमल नहीं है तो फिर कौन? मुझे क्या पता, मैंने तो इस लड़की को पहले कभी देखा नहीं। इसका मतलब सर, कोई दूसरी लड़की कोमल बनकर अपने इलाज करा रही थी यहाँ पे, और शायद वही लड़की कोमल को ये दवा दे रही होगी। आप जरा ये फोटोग्राफ देखिए, क्या इनमें से वो लड़की है जो कोमल बनकर आपके आई थी? ये कोमल है जिसका मैं इलाज कर रहा हूँ। सर, ये तो हद हो गई। रिया इतने दिनों तक डॉक्टर का उल्लू बनाती रही और उन्हें पता भी नहीं चला। सर, बहुत पहुंचे हुए हैं ये दोनों, रिया और राजीव। काफी प्लानिंग की थी इन लोगों ने, उसके बाद मारा है कोमल। ये तीनों एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे, शायद उसी दौरान ये दोनों इस कोमल के खाने में जहर वाली दवाई मिलाते रहते हैं। सर, एक बात अभी भी चुभ रही है, अगर इन लोगों ने ये सब सोच समझ के किया है तो ये लोग भागे क्यों? इन्हें तो मालूम होगा ही ना कि जैसे ही ये लोग भागेंगे पकड़े जाएंगे। हाथ पैर ठंडे पड़े होंगे कोमल की लाश देखकर, सोचा होगा कहीं पकड़े न जाए। नहीं, भागते तो एक बार बच भी जाते, यहीं पे गलती करती है सर। लेकिन अभी जी देखो, जहां कहीं भी ये लोग छिप जाए, आज नहीं तो कल इन्हें पैसों की तो जरूरत पड़ेगी, है ना? यस। बस तो किसी बैंक से पैसे निकलवाएंगे या फिर किसी ATM से, और दोनों ही जगह हम निगाह रख सकते हैं सर। चाहे किसी भी ATM से या बैंक से पैसे निकलवाएंगे ये लोग, हमें पता चल जाएगा और ये लोग पकड़े जाएंगे। बस सिर्फ इतना पता चलना चाहिए कि इन्होंने कब कब और कहां कहां से इन्होंने पैसे निकलवाए, हम उन तक पहुंच सकते हैं। सर, जिस दिन कोमल का खून हुआ उस दिन रिया और राजीव ने अंधेरी के ATM से पैसे निकाले थे। भागने के लिए पैसे चाहिए थे ना उन्हें, उसके बाद कहां से निकाले? कल रात उन्होंने पैसे निकाले हैं कोल्हापुर से। कोल्हापुर? इसका मतलब है ये दोनों भी कोल्हापुर में जाकर छुप कर बैठे हैं। सर, अगर हम इन दोनों के बैंक वालों से बात करके इनके अकाउंट्स बंद कर देते हैं तो ये ATM से पैसे निकाल नहीं सकेंगे, और जब खाने पीने के लिए पैसे ही नहीं रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ गलती करेंगे सर, और जहां कहीं भी छुपे हुए हैं बाहर निकल आएंगे। वेरी गुड आइडिया दया, वेरी गुड आइडिया। तो फिर चलो कोल्हापुर में जाकर ढूंढने की तैयारी करो। अरे कोल्हापुर में? पूरे कोल्हापुर में उन्हें कहां कहां ढूंढेंगे सर? फैब्रिक्स, भागते हुए मुजरिम कहां जाकर ठहरेंगे, किसी होटल में या किसी लॉज में? लेकिन सर, वो किसी यार दोस्तों के घर में भी रुक सकते हैं। हाँ, रुक सकते हैं, लेकिन पहले हम कोल्हापुर के होटलों से तो शुरुआत करें। तो फिर चलो कोल्हापुर चलते हैं।
हाँ जी, ये रूम की चाबी, हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, जरा बिल बना देना। हाँ दया, मिले क्या? यहाँ पर तो नहीं है। दया ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हो सकता है वो भेद बदल कर रुके हो। ओके सर। 4 दिन हो गए सर, हम लोग अलग अलग लॉज में रुके हुए हैं, अभी तो कोई नहीं मिला। इस तरह से ढूंढते रहे ना सर तो हमारे जूते खींचेंगे सर। फ्रेडरिक्स, वो लोग है तो कोल्हापुर में, समझे? हाँ दया, नहीं अभी तक तो पता नहीं चला है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट दया, तीतर मिल गया है। हाँ हाँ, यही शांति दूत लॉज में, तुम जल्दी से आ जाओ। ओके। कि सीआईडी हमारा पीछा कर रही है और उन्होंने हमारे अकाउंट को सील करवा दिया है। अब हम क्या करेंगे? हमें पैसों का इंतजाम तो करना होगा क्योंकि अब और यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुमने उससे पैसे की बात की? की ना बात क्या, तुम्हारे सामने मैंने उससे बात की, तुमने देखा उसने कैसे बातों को टाल दिया था। लाओ, लाओ मुझे फोन दो, मैं अभी उससे बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, वो हमारा फोन नहीं उठा रही है, मुझे लगता नहीं वो हमारी मदद करने वाली है। इसके बारे में बात कर रही है? ऐसे कैसे हमारी मदद नहीं करेगी वो? हाँ, उसी के कहने पे तो हम लोगों ने कोमल को जहर देके मार दिया और अब वो हमारी मदद नहीं करेगी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, उसे हमें बचाना ही होगा राजीव। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैंने उसे धमकी भी दी थी, कहा था कि उसने हमारी मदद नहीं की तो मैं सीआईडी के पास जाऊंगा। जानती हो उसने क्या किया? हंसने लगी, कहती है सीआईडी खूनियों पर भरोसा नहीं करते हैं, खूनियों पर विश्वास नहीं करते हैं वो लोग। ओह नो, ये कैसे चक्कर में फंस गए हम लोग राजीव, अब क्या करेंगे हम लोग? मुझे क्या पता क्या करेंगे हम लोग। रोने से काम नहीं बनने वाला, अगर हम डूबे, अगर हम डूबे तो हम उसे भी साथ लेकर डूबेंगे। तो इसका मतलब है इस चक्कर के पीछे कोई तीसरा भी है। ये सब क्या है सर, हमने इन्हें लॉज भी क्यों नहीं पकड़ लिया? यही एक तरीका था इनको पकड़ने का। फ्रेडरिक, अब चुप रहो। खून करवा के हमें फंसा दिया और खुद चैन से सो रही है, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। आओ वहीं रुक जाओ वरना मैं सीआईडी को फोन कर दूंगी।
उसकी कोई जरूरत नहीं है तन्वी जी, आपने बुलाया हम लोग आ गए। थैंक गॉड आप लोग सही वक्त पर आ गए। पता नहीं ये दोनों कौन हैं? अरे आप इन्हें नहीं जानती? ये लोग आपके लिए काम करते हैं और आप इन्हें नहीं जानती? क्या कह रहे हैं आप, ये मेरे लिए काम करते हैं? तो बुआ जी बस हो गया अच्छी बुआ बनने का नाटक, समझी? अब बताओ क्यों मरवाया तुमने कोमल को? ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? तुम्हारी भूल अब खुल चुकी है, समझी? नहीं, ये औरत वो नहीं है। देखो सच सच बताओ वरना तुम दोनों भी बच नहीं पाओगे। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो औरत वो मैं हूँ। और आज आज मैं तुम सबको भी कोमल के पास पहुंचा दूंगी। वहीं खड़े रहो, तुम सीआईडी वालों के पास केसेस की कमी है क्या? कोई दूसरा केस फाड़ देते कोमल करके मैं नाक में दम करके रखा है तुम लोगों ने। जब तक खूनी को किए की सजा नहीं मिलती हम लोग चुप नहीं बैठते, समझी? पर अफसोस इस बार ऐसा नहीं होगा। कल के अखबार में लिखा होगा कि कोमल के काफिलों ने आस्था को मारने की कोशिश की और बहादुर सीआईडी ऑफिसर्स ने उसको बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी। शहीद हो गया शहीद। तुमने अपनी बेटी समझा और तुमने बदले में ये दिया? ए बुढ़िया अपनी एक डालू बाजी बंद कर, समझी? तुम एसीपी अब मामले के लिए तैयार हो जाओ। देखो आफा बेवकूफी मत करना, ये गन हमें दे दो। हाथ ऊपर कर मैंने कहा हाथ ऊपर कर। अपने अपनी गन हमें दे दो आस्था। अब नहीं। हाँ हाँ नहीं 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 मैडम आपकी गोलियां यहाँ हैं। क्यों कैसा लगा हमारा ये नाटक? हाँ तुम जैसे सांप को बिल से निकालने के लिए हमने ये प्लान बनवाया था, समझी? ले चलो इसे। एक सहेली को दूसरे लोगों की बुरी नजर से बचाना चाहिए। बचाना तो छोड़ो अपनी सहेली का खून ही करवा दिया तुमने। हाँ सहेली नहीं बहन थी वो मेरी। बहन? तो अपनी बहन का खून करवा दी, शर्म नहीं आई तुम्हें? सौतेली बहन थी वो मेरी। सौतेली थी तो क्या हुआ, थी तो बहन ही ना। मेरे डैडी ने मेरी माँ के होते हुए दूसरी शादी कर ली वंदना से और वंदना ने उनकी मौत के बाद हमें पैसे देने बंद कर दिए। भूख प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया मेरी माँ ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने वंदना का भी खून कर दिया? जहर दे के मारा। मैं तो उसके पूरे खानदान को ही खत्म करना चाहती थी। पर कोमल को मालूम था कि तुम उसकी बहन हो? नहीं, तभी तो उसकी सहेली बनकर मैं उसके ही घर में घुस गई। आखिर पकड़ी गई ना? हाँ? घबरा के भाग गए तुम्हारे वो दोस्त रिया और राजीव। बेवकूफ है, मुझे क्या पता था कि वो दोनों इतने बड़े मूर्ख निकलेंगे। आस्था, आस्था, तुम दोनों यहाँ पर क्या हुआ? वो कोमल, कोमल, क्या हुआ कोमल को? वो मर चुकी है। सच? Yes, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बरसों का सपना पूरा हो गया। तुम खुश हो और यहाँ हमारी जान भी बनाइए उसका क्या? क्योंकि बेवकूफ हो तुम दोनों, एक नंबर के बेवकूफ। किसने कहा था तुम दोनों से यहाँ पर भाग कर आने के लिए? किसी को शक हो गया तो? देखो आसन जो भी हो अब तक सीआईडी वहाँ पहुँच चुकी होगी। तुम है ना प्लीज हमें हमारे पैसे दे दो आस्था, पैसे लेकर हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे, सब कुछ ठंडा हो जाएगा ना, फिर हम लोग लौट के आ जाएंगे। प्लीज हमारे पैसे दे दो। देखो इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। तुम ऐसा करो अभी इस वक्त यहाँ से जाओ, मैं कुछ करती हूँ और जब मैं फोन करूँ ना तभी वापस आना, ठीक है? मैं कुछ करती हूँ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। अब
माँ की मौत का बदला ले लिया मैंने। वाह, तो अब खुशियां मनाओ, बैंड बाजा मंगवाओ, डांस करो, अपनी बिरादरी वालों को भी बुलवाओ। बेवकूफ लड़की, क्या मिला तुम्हें दो दो खून करके? अपने दिल की भड़ासी निकाल लेना तुम, अब जेल में सड़ती रहो फांसी का ऑर्डर आने तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।